अखिल निशी छात्र यूनियन के 12 घंटे ईटानगर कैपिटल रीजन बंद का राजधानी में व्यापक असर देखा जा रहा है। मालूम हो कि छात्र संगठन ने शिक्षा विभाग की आयुक्त निहारिका राय के राज्य के बाहर तबादले की मांग में इस बंद का आह्वान किया है। आज सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे बंद के कारण ईटानगर में आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। सड़कें वीरान हैं, दुकानें बंद हैं। छात्र संगठन के 2 मांगों के समर्थन में समर्थकों ने सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा छात्र संगठन ने अनसु कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को भी हटाने की मांग की है। छात्र संगठन का आरोप है कि शिक्षा विभाग की आयुक्त निहारिका राय उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है। इससे पहले गत सितंबर महीने में छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन शिक्षा आयुक्त विषय को गंभीरता से नहीं ले रही हैं, जिसके खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। वहीं बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने कैपिटल रीजन में धारा 144 लगा दिया है। बता रहे इस वक्त अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर, अखिल निशी छात्र यूनियन के 12 घंटे ईटानगर कैपिटल रीजन बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। यहां छात्र संगठन ने शिक्षा विभाग के आयुक्त निहारिका राय के राज्य के बाहर तबादले की मांग में इस बंद का आह्वान किया है। आज सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे बंद के कारण ईटानगर में आम जनजीवन काफी असर पड़ रहा है। सड़कें वीरान हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं। छात्र संगठन के इधर 2 मांगों के समर्थन में समर्थकों ने सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा छात्र संगठन ने आंसु कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को भी हटाने की मांग की है। छात्र संगठन का आरोप है कि शिक्षा विभाग की आयुक्त निहारिका राय उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है।